इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, नीतीश कुमार मोदी सरकार के फैसले से नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है, अब नीतीश कुमार भी झटका देने के मूड में हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देश की सियासत में आने वाले वक्त में बड़ा बवंडर आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार किंग मेकर की भूमिका में थी। खुद नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, उनकी पार्टी इस बात को स्वीकार कर चुकी है। तभी तो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डालकर नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के लिए जो विकास के काम होने चाहिए, जो चीजें बाकी है, वो सब तो मिल ही जाएगा इस बार की सरकार में। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जिसके बलबूते नीतीश कुमार हर बार जनता के बीच गए वोट मांगने, आज मोदी की सरकार ने उसे साफ तौर पर ठुकरा दिया है। आप ये कहिए सरल भाषा में कि नीतीश कुमार को ठेंगा थमाया है केंद्र की सरकार ने। दरअसल इस बार बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत नहीं था, इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रही, तो ऐसे में अपने सहयोगियों को साथ लेकर ही चलना था। टीडीपी और जेडीयू के बदौलत दिल्ली में सरकार बनी, टीडीपी और जेडीयू ने मिलकर दिल्ली में सरकार बनाया और नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, दोनों ने अपने एजेंडे साफ कर दिए। साफ तौर पर नीतीश कुमार की डिमांड थी कि बिहार को लेकर विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, बिहार के लिए नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड रखी थी और ये विशेष राज्य का दर्जा का लगाव नीतीश कुमार से इतना पुराना है कि आप मत सोचिए। 2009 की अगर बात करूं, तब से नीतीश कुमार ने अभियान चलाया, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड नीतीश कुमार करते रहे। लेकिन इसके बाद कई बार चुनाव हुए, यूपीए की सरकार ने पहली बार साफ किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार जब नीतीश कुमार के बदौलत बनी, तो नीतीश कुमार से बिहार के लोगों की अपेक्षा थी कि इस बार तो नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे, ये डिमांड पूरा करवाकर ही रहेंगे। और जैसे ही बजट सेशन की शुरुआत हुई, अपूरक बजट लाने की बात कही गई, बिहार से रामप्रीत मंडल, देखिए जेडीयू के एमपी हैं, झंझारपुर के एमपी हैं, उन्होंने ये डिमांड रखी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो दूसरी ओर जवाब आया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ये जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार के ओर से वित्त राज्य मंत्री ने साफ तौर पर दिया है। देखिए, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड को लेकर, चाहे पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान हो या दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, नीतीश कुमार ने बड़ी रैलियां की है, बिहार के लोगों को जुटाया है और इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार ने लंबे समय से सियासत की। और आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अगर मोदी की सरकार ने साफ कर दिया है तो नीतीश कुमार भी अपना स्टैंड साफ करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू समर्थन वापस ले सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब नरेंद्र मोदी की सरकार से खफा है और ऐसे में नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे, वो फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से।